हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमोक्सिक्लैव 625 टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के फायदे, नुकसान, किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, कितने दिन इसका उपयोग किया जाता है, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, अमोक्सिक्लैव 625 एमजी टैबलेट आती है एबॉट कंपनी की और इसमें जो सॉल्ट है वो है अमोक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लैबुलानेट टैबलेट। अमोक्सिसिलिन इसमें 500 mg है और क्लैबुलानेट 125 mg है। इसके एमआरपी की बात करें तो इसका एमआरपी है 196.80 रुपये 10 गोलियों का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं इसकी उपयोग की किस किस काम में आती है। दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक है तो बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारे कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेन काम है बैक्टीरिया के संक्रमण को रोककर प्रॉब्लम को ठीक करना। इसका उपयोग सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड का बुखार, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, आँख, नाक, गले में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, यानी कि ENT, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। गोनोरिया की प्रॉब्लम, यौन रोग और गुप्त अंगों में इन्फेक्शन हो जाना, साइनस की प्रॉब्लम, निमोनिया, टाइफाइड, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी का इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन और फोड़ा, फुंसी, घाव, पिंपल्स और खुजली जैसी समस्या में इस जो है टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसके बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है तो ये बहुत सारे काम बीमारियों को ठीक करने में इस्तेमाल की जाती है। इस गोली को एक गोली सुबह और एक शाम को खाना खाने के बाद दी जाती है और कम से कम 3 दिन या फिर इन्फेक्शन के हिसाब से 7 दिन या फिर 10 दिन भी इस गोली का जो है उपयोग कराया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका उपयोग आपने अपनी मर्जी से बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट, नुकसान भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पेट में गैस, कब्ज, उल्टी हो जाना और खुजली होना, सिर दर्द, पीलिया, चक्कर आना और मतली, घबराहट होना, ये सब इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपनी मर्जी से बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जब भी इसको इस्तेमाल करना है डॉक्टर से सलाह लेकर ही उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। धन्यवाद।